किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए तीन अलग अलग फ्लेवर की लस्सी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार मलाईदार अमृतसरी लस्सी, और ये लस्सी सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। और इसी के साथ हम बनाएंगे आज मैंगो लस्सी। मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैंगो लस्सी बनाना तो बनता है, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। और हम बनाएंगे रोज एंड गुलकंद लस्सी, बहुत ही बढ़िया बनती है ये भी। तीनों बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर की लस्सी है। तो चलिए अस्सी एंड तुस्सी मिलकर बनाते हैं ये मजेदार लस्सी। बिल्कुल मजेदार और मलाईदार लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये घर का बना हुआ दही ले लिया है, और दही बिल्कुल अच्छे से ये जमा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, और बिल्कुल गाढ़ा दही है। तो दही के ऊपर जो इस तरीके की मलाई होती है ना, एकदम मोटी मोटी, आप देख पा रहे हैं मलाई की कितनी अच्छी सी इस पर परत जमी हुई है। तो इस मलाई को हम अलग से निकाल के रख लेंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये सारी मलाई को निकाल लिया है दही के ऊपर से। अब एक बर्तन में हम यहाँ पर 700 से 800 ग्राम दही ले लेंगे। यहाँ पर मैंने तीन बड़े साइज के ग्लास लस्सी बनाने के लिए दही ले ली है। अब हम ले लेंगे वुडन का, इस तरीके की जो मथनी होती है, ट्रेडिशनली लस्सी को इसी से बनाया जाता है। मिक्सी का आप यूज बिल्कुल भी ना कीजिए, वरना दही जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी और लस्सी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। आप इस तरीके की वुडन की जो मथनी होती है उसका यूज कीजिए, या फिर हैंड विस्कर का यूज कीजिए। इस मथनी से हम दही को इस तरीके से अच्छे से बिल्कुल फेंट लेंगे और बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे यहाँ पर दही को। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया से मैंने यहाँ पे दही को फेंट लिया है और बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गई, और दही यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से हमारी ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे चीनी का पाउडर डाल रही हूँ, 6 बड़े चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर चीनी अच्छे से एकदम जल्दी से इसमें घुल जाती है, इसलिए मैंने पाउडर चीनी का यूज किया है। और अब हम इसमें यहाँ पर कुछ आइस क्यूब डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 आइस क्यूब डाल दिए, टोटली ऑप्शनल है। अगर आपकी दही बिल्कुल अच्छे से चिल्ड है तो आप आइस क्यूब नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर अच्छे से हम सारी चीजों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मथनी से मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है। तो अगर आप देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो लस्सी बनाने का बेस है वो बढ़िया से बनकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, एकदम स्मूथ है और क्रीमी और बहुत ही ज्यादा गाढ़ा भी है। लस्सी बनाने के लिए पानी का यूज बिल्कुल भी ना कीजिए, वो पतली पतली सी लस्सी अच्छी नहीं लगती है। इस तरीके से गाढ़ी एकदम मलाईदार लस्सी ही पीने में अच्छी लगती है, बिल्कुल बाजार जैसी आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए अमृतसरी लस्सी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लस्सी का प्लेन बेस बनाया है, इसे मैंने ग्लास में डाल दिया है, और अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे जो हमने मलाई निकाल के रखी थी ना, तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें ऊपर से इस तरीके से मलाई डाल देंगे, और ये हमारी अमृतसरी मलाईदार लस्सी बनकर तैयार है। आप चाहे ऐसे ही सर्व कर लें, या थोड़ा सा आप इसे पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से। तो चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मैंगो ले लिया है चॉप किया हुआ, और इसमें हम डालेंगे अब इसे ग्राइंडिंग जार में, और ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका प्यूरे बना लेंगे। बिना पानी डाले मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और बढ़िया सा मैंगो प्यूरे यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, और इसमें अब हम डालेंगे जो हमने लस्सी का बेस बना के रखा था, अच्छे से मैंने इसे डाल दिया है, और मथनी से हम इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, ताकि जो लस्सी का बेस है और मैंगो अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारा मैंगो लस्सी का मिक्स बनकर तैयार है, तो इसे भी हम एक ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये मैंगो लस्सी का बेस डाल दिया है, इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से चॉप किए हुए मैंगो से, और इसी के साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर डाल देंगे टूटी फूटी, आप चाहे तो थोड़े से बादाम या पिस्ता से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, आप अपने पसंद से इसे कैसे भी चाहें वैसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने इसे गार्निश कर लिया है अच्छे से, और ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बढ़िया सी हमारी मैंगो लस्सी बनकर तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं रोज गुलकंद लस्सी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच गुलकंद ले लिया है, और इसी के साथ हम यहाँ पे 2 चम्मच लेंगे जो रेड वाला शरबत होता है, यानी कि रोज वाला शरबत, आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे जो हमने प्लेन लस्सी का बेस बना के रखा था, और ये लस्सी का बेस इसमें हमने डाल दिया है। अच्छे से हम सारी चीजों को एक बार मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छे से ये मिक्स हो गया है, अब हम इसे ग्लास में डाल लेंगे, ग्लास में डालकर इसे सर्व करेंगे, और हम इसे गार्निश करेंगे जो हमने दही के ऊपर की जो मलाई निकाल के रखी थी। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें मलाई डाल देंगे, ये थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये गुलकंद डाल देंगे, और साथ ही हम थोड़ा सा इसके ऊपर ये रोज वाला शरबत डाल देंगे, और थोड़ी सी टूटी फूटी या फिर ड्राई फ्रूट, जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप इसे गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल मजेदार हमारी रोज गुलकंद लस्सी भी बनकर तैयार है।
तो यहाँ पर हमारी तीन अलग अलग फ्लेवर की बिल्कुल बाजार जैसी लस्सी बनकर तैयार है। आप जरूर एक बार बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट अमृतसरी लस्सी है, बहुत बढ़िया लगती है ये पीने में। आपकी सबसे ज्यादा कौन सी फेवरेट लस्सी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर इस रेसिपी को शेयर कीजिए। पसंद आई हो रेसिपी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन होगा छोटू सा, वहां पर उसे जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।